स्टूडेंट्स हैं, आलमोनी लोग ने पहली बार यहाँ पे जो उनका मीट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, काफ़ी आलमोनी लोगों को देखने को मिला, काफ़ी सीनियर लोग भी हैं यहाँ पे। तो वैसे एजुकेशन सीनियरियो अपना अगर DNGC का बात किया जाए, तो जो 1979 में जब ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ, अरुणाचल प्रदेश में सेकेंड कॉलेज था आफ्टर JNC पासीघाट। सो अभी इसमें अभी भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काफ़ी यहाँ पे गैप है, और ईटानगर में क्योंकि ये गवर्नमेंट का लोन कॉलेज है, तो यहाँ पे जो ये अटेंडेंस है काफ़ी हाई है यहाँ पे। तो हमारा गवर्नमेंट का जो विजन है ऑलरेडी, मैं यहाँ के हमारे मेयर है और यहाँ के ऑनरेबल MLA, उनको भी मैं कहा हूँ कि एक जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि ईटानगर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर और एक कॉलेज का भी ज़रूरत है। वो कॉलेज को भी हम लोग सरकार बनाने के लिए तैयार है, मगर लोकेशन जो है वो फिर यहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव लोग हमको आइडेंटिफाई करके दे। तो जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है DNGC का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारा टेन्योर में काफ़ी चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेंक्शन करके काम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो इस बार जैसे बजट में मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया कि यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल का बहुत आवश्यक है, यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल भी इसी साल बनना शुरू होगा। इसके अलावा और भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं आज प्रिंसिपल साहब को भी कहा, और आप लोग डिस्कस करके एक रोड मैप बना के देने के लिए आने वाला दिनों में गवर्नमेंट इसको जरूर सपोर्ट करेगी। सर, वन थिंग जानना चाहेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे CBI ऑफिस है, लेकिन यहाँ में CBI के ऑफिस रहता नहीं है, उसका क्या अपडेट है सर? कोई बताना भी नहीं है कि स्कैम में अभी क्या इसको एड्रेस किया जा रहा है, क्या इनिशिएटिव लिया, कुछ अपडेट ही नहीं है। मैं अपना DGP साहब को बोलता हूँ कि एक बार CBI के साथ में कोऑर्डिनेट करके, और जो भी CBI मीडिया में जो भी शेयर करे वो जल्द से जल्द शेयर करने के लिए। सीएम सर, यू नो वन थिंग दैट हैज कम टू लर्न दैट योर स्टेट अरुणाचल प्रदेश इज फेसिंग आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश इज फेसिंग मिड डे मील स्कीम सर। आप बस्ती का बात तो छोड़ी दो, यहाँ पे ICR रीजन पे भी चल रहा है बड़ा सा करप्शन, एनी वर्ड ऑन दैट सर? इसका भी मेरे हमारा सोशल मीडिया के जरिए से हमको पता चला, इट हैज़ बीन आई थिंक कपल ऑफ डेज फ्रॉम नाउ, तो मैंने तुरंत उसको चीफ सेक्रेटरी को उस मीडिया क्लिपिंग को मैंने भेज दिया है, और तुरंत उसमें इन्वेस्टिगेशन जान पड़ताल करने के लिए ऑलरेडी क्लियरेंस हैज बीन गिवन फ्रॉम माय साइड। सर एनी कमेंट ऑन अबू अब्बा एक्ट, जो अभी चल रहा है फिलहाल, अबू अब्बा एक्ट अबाउट अबू अब्बा नहीं, देखिए ये एक्ट जो है पुराना एक्ट है, ये काफ़ी सालों से चल के आया हुआ है, और इस एक्ट के जरिए से क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक डिसिप्लिन सोसाइटी, एक डिसिप्लिन समाज में लेकर आने के लिए दिस एक्ट हैज़ प्लेड क्वाइट अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट रोल। तो इसमें तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतना खास कंट्रोवर्सी होना चाहिए। इफ़ नीडेड सजेशंस के लिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा अरुणाचल का जो अपना लॉ फैकल्टी जो है यहाँ पे, अपना लॉ एसोसिएशन, बार एसोसिएशन इनफैक्ट, इफ़ नीडेड आई कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड हैव अ डिस्कशन विद बार एसोसिएशन आल्सो। सर, हाईवे को, हाईवे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? 3-4 महीने से जो अरुणाचल प्रदेश का बिगड़ा हुआ था, आपने भी जिक्र किया APSC वाला इश्यूज, तो क्या इन्वेस्टिगेशन अपना रास्ता में चलते रहेगा, ना रिक्रूटमेंट भी रुका रहेगा? इसमें और एक चीज़ था सर, जाबर फादर का इश्यूज थोड़ा सा निकल रहा है, तो वो लोग दे वांट ए स्टैच्यू टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो क्या सरकार अपना तरफ, क्योंकि आपने भी अप्रिशिएट किया था जाबर फादर को, तो सरकार उसको क्या कुछ एक स्टैच्यू बना देगा क्या? एक तो देखिए जो लेट जाबर फादर का जो स्टैचू बनाने का है, ज़रूर हम लोग करेंगे, मगर देखिए नियम कानून एक सिस्टम होता है, उस आधार पर हम लोगों को आना होगा। तो डेफिनेटली मैंने फैमिली को भी मैंने मैसेज करवाया था कि यू नो हम लोग टोटली यमर पादुम का कॉन्ट्रीब्यूशन का हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और उनके लिए फॉर्मली एक एप्लीकेशन डाल दिए DC को कि लैंड अलॉटमेंट के लिए, तो DC विल आइडेंटिफाई कि कहाँ में अप्रोप्रिएट है। ये हो गया वन पार्ट, और दूसरा पार्ट जो आपने APCS के बारे में जो कहा कि सरकार तो अपना जो करप्ट लोग है और सिस्टम को जिसने डिराइव किया है, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को ये BND पार हम लोग ने रखा हुआ है, मगर आगे भी हम लोगों को जाना चाहिए। अभी आगे जाने के लिए सबसे पहली बात तो अपना कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन को गठन करना होगा। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग ने एडवर्टीजमेंट कर चुका है, मगर फॉर्मर जो दो जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था, मगर ओट टेकिंग नहीं हुआ था, दो ऐसे फॉर्मर मेंबर लोग ने गुवाहाटी बेंच में इसको अपील किया हुआ है, तो उसमें वहाँ पे अभी हियरिंग चल रहा है। इन मीन टाइम गुवाहाटी जो मेन कोर्ट है वहाँ पे राज्य सरकार ने अपील किया
कि कम से कम जो इफेक्टिव पोस्ट जो इफेक्टिव नहीं है, जैसे वन पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड वन पोस्ट ऑफ मेंबर, उसको हम लोगों को रिक्रूटमेंट करने का परमिशन दिया जाए। तो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट कैन गो फॉरवर्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वन चेयरपर्सन एंड वन मेंबर प्रोवाइडेड, लेकिन उसका जो प्रोसीडिंग्स को सील कवर में रखने के लिए टिल दी फाइनल हियरिंग, जो गुवाहाटी बेस्ड जो नाहरलगन में जो हियरिंग चल रहा है उसका जब तक हियरिंग कंप्लीट नहीं होता है उस तब तक के लिए सील एनवेलप में रखने के लिए। और साथ साथ जजमेंट में ये भी लिखा है, डायरेक्शन दिया है नाहरलगन बेंच को कि ये हियरिंग को प्रायोरिटी में कोर्ट टेकअप करे। तो जब ये कोर्ट टेकअप करके डिस्पोज हो जाएंगे तो नया बोर्ड जैसे ही टेक ओवर कर लेगा और एग्जामिनेशन जो अभी हज़ारों पोस्ट जो पेंडिंग है वो नया बोर्ड मेंबर आने के बाद फिर रिक्रूटमेंट का जो अपना जो है वो शुरू हो जाए।